मंगल भवानी सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम अंत में यही आएगा सभी के काम। अब जो राम के भक्त हैं वो एक बार हाथ उठाएं, जो राम के भक्त नहीं है वो हाथ मत उठाना। देखे देखे राम राजे साहब बोलो हरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण नाय पर वचन जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण नाय पर वचन जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, हो प्राण जाए पर वचन ना जाई। गुलाब जामुन खैरी वे और कणी क्यों वे मम्मी मम्मी इवे रो वाली आई रही गुलाब जामुन तो मुंडा में घूंटो काटी पाची चालू कारण मैंने याद नहीं जा मारे मरी लगी भाई। आपने खाली एक बात याद रखनी है, आज है सत्संग, ये बात आज रात पूरी याद रखनी है और उसी हिसाब से आपको बोलना है। एक बार मेरे साथ जरूर बोलना, बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, थोड़ा थोड़ा जरूर बोलो राम सिया राम, हीरो नहीं खादो कई भाई राम सिया राम, हो और इस दिल में क्या रखा है और इस मन में क्या रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, राम का नाम लिखा रखा है, चीर के देखो हर दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल हर हिंदू का तो, एक तेरा नाम लिखा रखा है, राम जी का नाम। अब मुरा
राम रो नाम क्यों लेवे नू अनो कारण बताई दू पचे सब जना आप पूरी रात्रि आनंद लीजो सुन जो जनी समय राम और रावण ना वच में लड़ाई चली रही ओ भाई ओ बाबा ओ भाई अपने हुन लो सुनिएगा मेरी बात मैं राम का नाम क्यों लेवा रहा हूं जनी समय राम और रावण ना वच में लड़ाई चली रही तो राम नामरा पानी में भाटा तरीरा भाटा भाटा रो मतलब पत्थर पत्थरों मतलब टोला टोला राम नामरा पानी में भाटा तरीरा रावण की सेना घबराएगी रावण की सेना रावण ने जन क्यों के हे राजा रावण हम राम से लड़ने नहीं जाएंगे रावण क्यों क्यों राम री सेना बोली कि हे राजा रावण जिसके नाम से पानी में पत्थर तक तीरते हैं वो राम अगर खुद लंका में आ गए तो हमारा तो मर्डर फाइनल है हम तो मरना नहीं चाहते रावण विचार की दो कि हमारी सेना घबरावा लागी की है थोड़ा झूठ बोल के अपनी सेना को कवर करो रावण थोड़ो झूठ बोलियो और सिंहासन पे खड़ो वे क्योंकि लंका वालों राम के नाम से पानी में पत्थर तीर रहे हैं तो ये रावण भी पानी में पत्थर तीरा सकता है लंका वाला क्यों तीरा सकता है तो तीरा के बताओ वाता करवाऊं काम नहीं चले रावण क्यों सुबह 10 बजे समुंदरी तीर पे ही जाजो मु पानी पानी में भाटो तरे न बताऊं हुन जो पांचेटिया वाला सुबह 10 बजे लंकापति रावण पूरी सेना रे साथ समुंदरी तीर पे आयो लंका वाला क्यों रावण जी लो आई जाओ पानी में भाटो नाको रात लंबी लंबी फेंकी रावण के राम रा नाम भाटो तरे तो कही भी गयो मारो नाम भी तरे लो तरे ने बताओ हुन जो सब जना रावण सबरा हामे एक भाटो उठायो और पानी में फेंक्यो और जो ही फेंक्यो न वो भाटो पानी में पानी में पानी में पानी में नी डूबो वो भाटो पानी में तरी गयो कतरा जोरदार गिरा डूबी गयो जाने ये वटी सा सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना रावण सबरा में भाटो फेंक्यो वो भाटो पानी में तरवा लाग्यो और जुई तरवा लागो रावण री सेना एक लारे बोली बोलो राजा रावण की अटी है सेना नी मैं रावण री जे बोली ध्यानु भजन हुनवारी बात है हुनो इसलिए कहा जाता है भजन को सुना जाता है देखा नहीं जाता सुनना रावण जुई भाटो नाख्यो भाटो पानी में तरियो रावण की सेना जयघोष की थी राजा रावण की जय वास्तव में रावण में दम है रावण ना नाम भाटो तरी गयो अबे आप राम लड़ेगा रावण की सेना घरे जन हुई गी और रात्रि 11 बजे मंदोदरी रावण ने पूछो के हे पतिदेव मुझे एक बात बताओ रावण क्यों कही मंदोदरी क्यों कहो पतिदेव आप जो पानी में भाटो नाख्यो वो भाटो पानी में तरियो तो तरियो किस तरह मारे हाल तक खोपड़ा में वहां फिट नहीं हुई रावण मंदोदरी ने क्यों मंदोदरी तने मारा पे भरोसो नहीं के तने मारा पे भरोसो नहीं है वो भाटो में ना क्यों मारा नाम उतरियो भाई साहब ऐसो है आदमी बली कतरो भी चोड़ो चोड़ो मार्केट में चाले पर वन लुगाई अच्छी तरह जाने के मारा माटी ना लकड़ घिसा है मंदोदरी क्यों पतिदेव फेंको मती आपरा नाम पत्थर नहीं तर सके वो पत्थर किस तरह तरियो जो मने बताओ मित्र सुनेगा तब उस प्रखंड पंडित ने महाशिव भक्त रावण ने कहा मंदोदरी वो पत्थर पानी में कैसे तीरा मैं तुझे बता रहा हूं रावण क्यों मंदोदरी पूरी लंका खड़ी थी मैंने सबके सामने पत्थर उठा तो दिया उसको फेंका नहीं था रावण ने कहा मैंने एक मिनट आंखें बंद कर दी और मन ही मन में मैंने उस पत्थर से कहा कि हे पत्थर तुझे भगवान श्री राम की सौगंध अगर पानी में डूब गया तो और वो पत्थर भी भगवान की कसम से तीरने लग गया अब आपको विश्वास है तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा हो रघुकुल कलयुग केवल नाम आधारा अरे सुमर सुमर भव उधीरो पारा राम सिया राम जय जय राम
राम।